Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Michael, welcome back to another gameplay video of GTA 5. तो guys, पिछले episode में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि Michael ने एक Hulk Pitbull buy किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा muscular है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो. येलो पट्टी के साथ है guys, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है और उतना ही ज़्यादा ये अग्रेसिव है. और गाइस, कल हम लोग को चैलेंज दिया था फ्रैंकलिन ने, तो फाइनली गाइस आप लोगों के कहने के मुताबिक गाइस मैंने यहाँ पर जो है चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया है. देखते हैं गाइस हमारा पिटबुल या उसका पिटबुल कौन सा ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, फिलहाल दोस्तों अभी मैं आर्मी ड्रेस अपनी नहीं पहनता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं मिलिट्री कर्नल हूँ और फिलहाल के लिए गाइस मैं अपने घर पर ही रहता हूँ. ये क्या गाइस, वी हैव बीन रॉब्ड, सम बास्टर्ड जस्ट एस्केप विद एवरी डॉलर इन द कैश रजिस्टर. तो गाइस यहाँ पर लगता है एक पिक्चर, मैंने बहुत पहले एक दुकान खरीदी थी तो वहाँ पर दोस्तों लगता है चोरी हो गई है. तो सबसे पहले गाइस मैं अपनी बुकाटी बोली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट कार है, ठीक है, उसको लेके उसको पकड़ने जाऊँगा. तो ये रही गाइस गाइस मेरा गैराज एरा. ओ तेरी भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पर बुकाटी कहाँ है मेरी? ओ भयंकर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस मेरी बुकाटी यहाँ से कहाँ चली गई. तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पर कॉल लगाते हूँ तो यहाँ पे मेरे को मैसेज भी आया पिक्चर की तरफ से कि तुम्हारी जो है पूरी की पूरी जो दुकान है वो रॉब्ड हो चुकी है. तो जल्दी से गाइस लेस्टर से पूछता हूँ कि भाई कहाँ पर है मेरी यार कार अभी. तो ओके गाइस फाइनली जो है लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर ने बोला कि भाई तुम्हारी कार जो है स्ट्रिप क्लब पे खड़ी है. अब वो पता नहीं स्ट्रिप क्लब कैसे पहुंच गई गाइस. फिलहाल के लिए मेरे को जल्दी से इस वाले साइन पर जाना चाहिए जो कि है भाई पिक्चर्स का. तो ये रही गाइस इसी वाली कार में मेरे को अभी पिक्चर्स के साइन पर जाना पड़ेगा. पिक्चर्स गाइस एक शॉप है मेरी, काफ़ी पुरानी शॉप है, मैंने बहुत पहले उसको खरीदी थी जब मैंने गाइस गेम स्टार्ट किया था और आज गाइस उसमें जो है रॉबरी स्टार्ट हो चुकी है. मतलब पूरा का पूरा जितना भी कैश एंड डॉलर्स था सब कुछ दोस्तों जो है गायब है और एक बंदा उसको जो है चुरा के लेके गया हुआ है. तो फिलहाल गाइस ये वाली कार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मॉडिफाइड तो है लेकिन गाइस आर्मर्ड बिल्कुल भी नहीं है. मतलब जो है गाइस अगर ये ठुकी तो भाई कार जो है टूटनी टूटनी है. तो फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी में जाके अपना कैश जो है बचाना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस मेरी दुकान कहाँ पर है. दुकान गाइस जस्ट देखो आप लोग मैप में लेफ्ट साइड पर है, मैप है बिल्कुल नीचे साइड पे, वहीं पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा जहाँ मैंने साइन मार्क किया है वहीं पर दोस्तों मेरी दुकान है. तो फिलहाल के लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो, स्टॉप द थीफ एस्केपिंग, मतलब उसने मेरे को फ़ोन किया था जो कि भाई मेरा ओनर है, तो उसी ने गाइस मेरे को जो है फ़ोन किया था जिसको मैंने रखा हुआ है. तो ये रहा गाइस वो रेड कलर के मार्क से भाग रहा है, आप लोग देख पा रहे हो. फिलहाल दोस्तों Michael जो है बहुत ज़्यादा तेज़ में जाके उसको पकड़ने वाला और उसने एक टक्कर जाके उसको जो है मार दिया है. और देखो भाई शूटिंग देखो, वो भयंकर एक बार में गाइस जो है शूट किया उसने और वो मर चुका है. ये रहा गाइस रिट्राइव मनी, रिट्राइव द मनी. तो ये देखो गाइस मैंने रिट्राइव कर लिया है और यहाँ पर लिखा है पार्ट टेकिंग रिकवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैंने जो है इसको रिकवर कर लिया. आप ये पैसे तो मेरे ही थे तो भाई मुझे अब सीधा जाना है कहाँ पर, स्ट्रिप क्लब में अपनी बुकाटी बोलिदे को लेने के लिए. उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन वर्सेस Michael होने वाला है और फ्रैंकलिन का पिटबुल वर्सेस Michael होने वाला है. तो देखते हैं गाइस, देखना मत भूलना प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना. जो वीडियो पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर लो ताकि आपको मेरी तरफ से GTA 5 की लेटेस्ट GTA 5 की रोज़ाना इस वीडियो गेम प्ले मिलते रहें. ठीक है, संडे भी गाइस हम लोग रेस्ट नहीं लेते हैं तो प्लीज़ आप लोग ना सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर डेली डोज के लिए. तो फाइनली गाइस यहाँ पर जो है मेरे को कॉल आई है जिमी की तरफ से और जिमी ने भाई मेरे को बताया कि भाई मतलब डैड जल्दी से आ जाओ मेरे पास, आप लोग मुझे जो है बहुत गंदा पीटा भी गया है और साथ में आपकी जो कार है उसको भी क्रैश कर दिया गया है. तो गाइस स्ट्रिप क्लब कैसे पहुंची थी मैं आप लोगों को बताता हूँ. स्ट्रिप क्लब जिमी लेके गया था. अब गाइस उसको तो भाई आज पड़ेगी, आज वो गंदा पिटने वाला है जिमी मेरे से. मतलब मेरे से बिना पूछे गाइस वो जो है मेरी कार को लेके कहीं पर भी चला जाता है. और ये देखो गाइस मेरी कार जो है थोड़ी बहुत ठुक चुकी है, कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक ठुकी है. तो फिलहाल के लिए जैसे कि आप लोग, ओ भयंकर ये क्या कर लिया तूने Michael यार, एक तो ठुकी हुई थी कार और ये गाइस एक अच्छा सा शॉर्टकट है स्ट्रिप क्लब के लिए. अगर हम डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं तो डायरेक्ट जो है पहुँच सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फिलहाल अभी दोस्तों मेरी जो है कार यहाँ पर आके लैंड हो चुकी है. ठीक है, तो फाइनली गाइस अभी मेरे को जो है कैसे ना कैसे करके, ओ भयंकर कितना ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर जो है मेरी कार पूरी की पूरी जो है क्रैश हो चुकी है. अब क्रैश होने के बावजूद भी गाइस मेरे को कैसे ना कैसे करके ये वाली कार को स्ट्रिप क्लब तक कैसे ना कैसे करके पहुँचाना है. देखो गाइस चलने भी नहीं पा रही, अगर मैं गाइस आगे गियर दे रहा हूँ तो भी दोस्तों चल नहीं पा रही है एक, लेकिन स्ट्रिप क्लब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास में है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो. लिक्विड स्टोर आ चुका है और उसी के बगल में गाइस जो है स्ट्रिप क्लब है. तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बाकी दोस्तों Michael जिम्मी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है.
फिलहाल दोस्तों हमारी जो पहली वाली कार है जो कि मैं अभी चला के आया हूँ, जैसे कि आप लोग देखो कितनी ज़्यादा गंदी हालत हो गई इस कार की पूरी टूट गई है पीछे से। और फिलहाल आगे वाली कार देखता हूँ तो गाइस मेरी बुगाटी बोलिदे का क्या हाल हो चुका है भाई साहब, आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा गंदी ठुक चुकी है। और ये सब मेरे निकम्मे बेटे के कारण है, इतना ज़्यादा गंदा इसे पीटा है। कौन सी गैंग थी भाई वो, तो जिम्मी बोल रहा है गाइस, कोई भी मेरे को गैंग का नाम पता नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो मेरी कार तो फुल्ली आर्मर्ड थी, लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो जिम्मी चलने की हालत में भी नहीं है। अभी सबसे पहले जाके मैं जिसको कूटने वाला हूँ ना वो है भाई जिम्मी, तो बाद में होगा, सबसे पहले ये स्ट्रिप क्लब का बाउंसर। इसको भाई मैंने जब से बोल रखा है, जब भी मेरी कोई फैमिली आए मेरे को कॉल करना, खड़ा रहता बस फालतू में, लग तो रहा है मन कर रहा है यहीं पर दोस्तों हेडशॉट दे दो इसको अभी यहीं पर, लेकिन भाई इसको ना मैं लाती लात मारने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, मैंने सबसे पहले अपना बदला जो है इससे निकाला है, और अभी जिम्मी को हम नहीं मारेंगे, ठीक है। जिम्मी को मैं जब मारूंगा, जब मैं गाइस अपनी मिलिट्री कर्नल की ड्रेस पहन लूंगा, तब ना थोड़ा और अच्छा फील आएगा। तब बेटा मिलिट्री कर्नल का ना एक मुक्का खाएगा जिम्मी तो उसे थोड़ा स्वाद आ जाएगा अच्छी तरीके से कि भाई मुझे नहीं जाना चाहिए। अभी गाइस ये वाली कार को हम लोग जो है ब्लास्ट कर देते हैं। बाकी दोस्तों ये कार तो आप लोगों को पता ही है आ जाती है कैसे ना कैसे भी, लेकिन गाइस ये वाली कार नहीं आएगी। अब इस वाली कार को दोस्तों मेरे को लॉस सैंटोस कस्टम में ले जाके फिर से आर्मर्ड करवाना पड़ेगा। आज गाइस मैं इस कार को ना न्यू लुक भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो ओ भयंकर, हमने वो वाली कार को ब्लास्ट कर दिया है। और अब जल्दी से गाइस मैं ये वाली जो है कार लेके जा रहा हूँ सीधा अपने घर पर, और घर पर जाने के बाद गाइस हम लोग जो है अपनी ड्रेस पहन लूँगा। ड्रेस पहनने के बाद कार को रिपेयर करा के डायरेक्ट जो है फाइट पे मैं आप लोगों को मिलूँगा, ठीक है। तो गाइस फाइट जो है वो होने वाली है पिटबुल वर्सेस पिटबुल के बीच में, मैं आपको बता दूँ बार बार, ठीक है। तो हमारे पास है दोस्तों हमारा जो है हल्क पिटबुल, जो कि दोस्तों हम लोगों ने कल ही बाय किया $10 million का, काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है कि नहीं है वो अभी पता लग जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बात ऐसी है कि फार्मर ने बोला है कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग्जरी पेट है तुम्हारा। तो फाइनली मैं घर यहाँ पर आ चुका हूँ, तो देखते हैं गाइस कितना अच्छा है वो वाला हमारा पेट, और क्या वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा वो भी देखना बाकी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी दोस्तों माइकल यहाँ पर उतर चुका है, और माइकल को अपनी कार को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है माइकल को देख के कार को, लग तो रहा है भाई अपने बेटे को पीट देगा आज। तो जल्दी से गाइस मैं अपनी जो है अभी ड्रेस पहन के आता हूँ ऊपर से अपने घर पर। बाकी जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर ही पा रहे हो गाइस कि यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं सीधा, पहले ड्रिंक पियेंगे क्योंकि भाई वो गैंग कौन सी है, माइकल सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, ठीक है। तो माइकल दोस्तों ये सोच रहा है अभी कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन हो चुका है मेरे साथ, आगे क्या होने वाला है, कौन सी गैंग होगी, कैसे मैं उसको पीटूंगा, कौन थे भाई जिसने जिम्मी पे इतना गंदा अटैक किया, और मेरी गाइस कार पूरी की पूरी आर्मर्ड थी, कौन थे भाई वो लोग, अभी देखना बाकी है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो मैं फिलहाल यहाँ पर चढ़ चुका हूँ ऊपर की तरफ में, जल्दी से ड्रेस चेंज करके आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है। तो ये देखो गाइज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली मैंने यहाँ पर जो है ड्रेस चेंज कर ली है, और अब गाइज मैं यहाँ से अभी नीचे जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो गाइज, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी नीचे की तरफ में, और अब गाइस जो है जिम्मी मेरे से काफ़ी गंदा पिटने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये रहा जिम्मी, आ जा बेटा ये ले भाई, और मस्ती करेगा है तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग गया गाइस ये बंदा। और आप लोगों को सही बात बताऊं, सही बात में मैं तो जिम्मी पिटने ही लायक है, मतलब घर में गाइस कुछ नहीं करता है, आपको पता नहीं स्ट्रिप क्लब में जाके क्या करता है ये। फिलहाल दोस्तों दो मुक्के मार दिए मैंने, अब बोल दिया बेटा चले जाना यहाँ से निकल जा। तो अभी जल्दी से गाइस मैं ये वाली कार को लेके जाने वाला हूँ, कहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सीधा जाने वाला हूँ मैं लॉस सैंटोस कस्टम पर। और लॉस सैंटोस कस्टम पर जाके गाइस मैं जल्दी से इसको ये वाला जो है नया लुक दूंगा, और उसके बाद फिर हमारी जो है फाइट होगी। तो जल्दी से गाइस मैं अभी ये वाली कार को लेके जाता हूँ। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरा जो है पिटबुल वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, और अगर हम हार गए तो भाई फिर क्या करेंगे, फिर हमें नया पेट लेना पड़ेगा कोई जीतने के लिए। बाकी दोस्तों माइकल की तो आप लोगों को ड्राइविंग पता ही है कि उसे चाहिए तो चाहिए भाई पूरी आर्मर्ड कार चाहिए, ठीक है। तो भाई आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया है, यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी कार जो है कचूमर बन चुकी है, और गाइस आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल ही बिल्कुल छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं लॉस सैंटोस कस्टम के अंदर फाइनली जो है एंट्री ले चुका हूँ, और यहीं पर दोस्तों आके मैं जो है पूरी की पूरी कार को जो है मॉडिफाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो लॉस सैंटोस कस्टम के अंदर हम लोग एंट्री ले चुके हैं, फटाफट से मॉडिफाइड कराता हूँ। $230 रिपेयरिंग के लग रहे हैं, तो सबसे पहले $230 हम लोगों ने कार को रिपेयर करा लिया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन $230 में हमारी कार जो है फुल्ली रिपेयर तो हो चुकी है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इसको एक खतरनाक लुक दे ही दूँ।
सबसे पहले गाइज हम लोगों ने बहुत बहुत जल्दी जल्दी मॉडिफाइड करा रहे हैं, स्टॉक लाइट सब कुछ अच्छी तरीके से, नियॉन कलर, लियॉन लेआउट, और बाकी दोस्तों हम लोग कलर वाइट दे दिया है इसको, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। उसके बाद गाइज नीचे के कलर हम लोगों ने वो दे दिया है, और यहाँ पर विंडोज़ को भी टिंट करके बाहर जो है फुल्ली मॉडिफाइड करा दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ी में मॉडिफिकेशन हुआ है गाइज, ठीक है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना, और आप लोग भी फाइट देखने को बेताब होगे। तो चलो गाइज अब बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाकी दोस्तों पीछे की तरफ ना हम लोगों जॉर्डन लिखवा रखा है, और बाकी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो भाई साहब कितना अच्छा स्मोक निकल रहा है, और अब मैं यहाँ से गाइज निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो कार जो है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है, अब कार आपको ऐसे ही दिखा करेगी गाइज मेरे चैनल पर। और अब गाइज मैं इसको जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा ना एक बार दोस्तों बस थोड़ा सा कार वॉश करा लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि कार वॉश कराने में ना टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, ताकि थोड़ी सी ना कार में चमक और अच्छी तरीके से आ जाए, और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। तो बाकी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कार वॉश बिल्कुल ही बिल्कुल सेल्फ वाला रहता है इसमें, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी देखने को। सबसे पहले गाइस कार वॉश में बहुत सारा कोई बंदा खड़ा नहीं रहता है, हमें सीधा अपने एक रैंप पर आराम से चलते रहना है, ऑटोमेटिकली कार जो है वॉश हो जाएगी। ये टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाइस लॉस सैंटोस की, जो कि गाइस इंडिया में भी होनी चाहिए ऐसी, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी। और गाइस कोई भी बंदा इंगेज नहीं रहता है, पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है पता नहीं कहाँ से। तो ये देखो गाइस हमारी जो है अल्ट्रा बैटमैन बुगाटी बोलिदे कार कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो फाइनली गाइस जल्दी से अब लेस्टर से कॉल कर लेता हूँ कि भाई लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर आना कहाँ है मेरे को। तो ये देखो गाइस लेस्टर से बात कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस लेस्टर से मेरी बात हो चुकी है, लेस्टर ने बोला है व्हाइट हाउस के ऊपर वाले टेरेस पे तुम्हें आके मेरे से मिलना है। तो जल्दी से गाइस ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को मिलता हूँ सीधा व्हाइट हाउस के रास्तों पर, और वहीं से गाइस जो है हम लोग उसके व्हाइट हाउस के टेरेस पे आप लोगों को मिलेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग उसी हिल पर आ चुके हैं जहाँ पे गाइस व्हाइट हाउस है, जहाँ पे दोस्तों ट्रेवर प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा था, और फाइनली आज वो सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बन चुका है वोटों के मुताबिक। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अब ये वाली कार को बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। वो बंदे कौन थे भाई जिन्होंने गाइस इतना ज़्यादा गंदा, मतलब क्या उन्होंने मारा इसमें जिससे कार जो इतनी टूट गई। फिलहाल दोस्तों अगर मैं कितना भी से ठोकूं अब तो नहीं टूटती, ना ही दोस्तों आरपीजी मार दूं तो भी नहीं फूटती, लेकिन गाइस पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया था ऐसा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से मेरे को उतर जाना है, उतरने के बाद अपने स्टाइल पर मैं इसको पार्क करने वाला हूँ। तो ये देखो गाइस हमने उन्होंने पार्क कर लिया यहाँ पर, और अभी दोस्तों टेरेस पर दोस्तों लेस्टर और फ्रैंकलिन मेरा जो है वेट कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ मैं अभी, और यहाँ पर दोस्तों मैंने जो अपना हाथ कर लिया है अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी में जाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस जो है दिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, जिसके कारण गाइस मैं ये जो आर्मी ड्रेस मैंने पहन रखी है ये काफ़ी ज़्यादा वजन में है। और ये रहा गाइस हमारा दोस्त फ्रैंकलिन, साथ में लेस्टर है, दोनों के दोनों पिटबुल खड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फ्रैंकलिन का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी। और फिलहाल के लिए यहाँ पर दोस्तों जो है हमारा एक पिटबुल ये है, और हमारा हल्क पिटबुल गाइस ये रहा, जो कि दोस्तों लेस्टर के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आने का वेट कर रहा था, और मैं यहाँ पर पिस्टल से एक शूट करूँगा, उसके बाद दोस्तों जो है इनकी फाइट जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो माइकल यहाँ पर निकालने वाला है पिस्टल, और पिस्टल के बाद गाइस हम लोगों ने यहाँ पर फायर कर दिया है। और ये देखो गाइस फाइट जो है स्टार्ट हो चुकी है, और आते ही गाइस फ्रैंकलिन के पिटबुल ने मेरे हल्क पिटबुल पर काफ़ी गंदा अटैक कर दिया है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखो भयंकर, मतलब मेरा जो हल्क पिटबुल है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है, जैसे गाइस वो मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन मार नहीं पा रहा है। और हमारा जो फ्रैंकलिन का पिटबुल है वो देखो गाइस लगातार उसे घसीट रहा है भाई, मतलब जैसे बोलते हैं ना लताड़ दिया मार मार के, वो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखो, ये देखो गाइस जब मेरा हल्क पिटबुल करता तो गाइस कोई असर नहीं हो रहा है, और बाकी दोस्तों ये वाला जो पिटबुल है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब गाइस 5 रॉटवीलर को मार दिया था भाई उसने अकेले ने। तो भाई हमारा पिटबुल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन गाइस मुझे अपने पिटबुल पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। लेकिन गाइस फार्मर ने गाइस ये क्या किया, $10 मिलियन के ले लिए गाइस उसने पैसे, लेकिन गाइस इतना बेकार पिटबुल दिया मेरे को, मतलब थोड़ा सा भी नहीं मार पा रहा है उसको, हिला भी नहीं पा रहा है। हालाँकि दोस्तों था तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, फूक भी रहा है, लेकिन गाइस अब कुछ कर नहीं पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस क्या चल रहा है यहाँ पर, और कैसे हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। बाकी गाइस आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों हमारा हल्क पिटबुल दोस्तों फ्रैंकलिन देखो अभी तक सुट्टे मार रहा है, उसे भाई फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि मेरा पिटबुल जो है जीत जाएगा। ये देखो भाई कुछ कर ही नहीं पा रहा है भाई, हद हो गई यार,
आप लोग देख पा रहे हो गाइस, कुछ भी नहीं कर पा रहा है मेरा पिटबुल। तो गाइस अब मुझे ना कोई नया डॉग बाय करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग के इसके बाद क्या कमेंट होने वाला है आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से गाइस जो ओबे फ्रैंकलिन का जो पिटबुल है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और फाइनली गाइस लास्ट वाले उसने ऐड कर दिया, और यहाँ पर दोस्तों जो है हमारा डॉग जो है एंड हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइट थी फ्रैंकलिन, तू तो गया बेटा। ठीक है, कल तो मैंने तेरे पेट को यहाँ पे बचाया माउंट चिलियार्ड से, इसलिए नहीं बचाया था कि भाई मेरा पिटबुल जो है तू मार दे। फिलहाल के लिए गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ, लेकिन भाई फ्रैंकलिन भी मेरे ऊपर तुरंत से दोबारा से उसने जो है अटैक करना शुरू कर दिया, और ये ले भाई। लेकिन गाइस अब माइकल जो है गुस्सा काफ़ी ज़्यादा तेज आ रहा है, बेटा मिलिट्री कर्नल से पंगा मत ले। वही दोस्तों फ्रैंकलिन बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर से पंगा मत ले। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्त दोस्त में फाइट हो चुकी है, और फिलहाल दोस्तों सबसे ज़्यादा गंदा मैं पीटने वाला हूँ फार्मर को, इतना गंदा मुझे ठगने के लिए। यहाँ पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो जो हमारा हल्क पिटबुल था वो मर चुका है, और ये पिटबुल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं उसके हेड को मार रहा हूँ, तो यहाँ पर गाइस जो है ये मेरे पर मारने की कोशिश कर रहा है, मैं भी गाइस को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेस्टर दोस्तों माथा पकड़ के रो रहा है भाई कि ये क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो बेफालतू में दोनों। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये दोनों गाइस मिलिट्री कर्नल को मारने में लगे हुए हैं। हद हो गई भाई, तू तो रुकी जा बेटा बिन पट्टे के। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस ये कुत्ता जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार, और ये मेरे को लगातार मारते ही जा रहा है। ये देखो गाइस इसके भाई मैंने यहाँ पे मारना शुरू कर दिया, तेरी भाग जा बेटा मत मार, मेरे को निकल जाए यहाँ से। बाकी दोस्तों अभी मैंने गन निकाल दी ना तो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रैंकलिन तू तो बेटा निकली जा, तूने भाई मेरा डॉग भी मरवा दिया है। अब जल्दी से गाइस मैं इसे नीचे जाके मारता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फाइनली मैंने इसे यहाँ के नीचे आके एक तो मारा शॉट, लेकिन गाइस अभी भी ये नहीं मरा है। तो फाइनली गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, फाइनली गाइज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर जो है फार्मर को भी कॉल कर दिया है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बेल ऑन फिश को ऑल पे टिक कर लो। मिलते हैं नए पेट के साथ, लव यू ऑल।